शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जोशी जेकेएल डेवलपर्स का पार्टनर नहीं है। पापा ने उसके ओनर को जोशी की पिक्चर दिखाई थी। उसके ओनर तो उसे जानते ही नहीं है। उनका एक पार्टनर जोशी है, लेकिन ये वो जोशी नहीं। और उस जोशी ने तुम्हारा सारा अमाउंट ट्रांसफर कर लिया है। अब ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स नहीं हो सकते? अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। सिड ने जो पैसे ट्रांसफर किए थे वो हमारे पर्सनल नहीं थे, स्टेक होल्डर्स के थे, इन्वेस्टर्स के थे। देखो सुबह से इन्वेस्टर्स मुझे फोन कर रहे हैं, मैं उनका फोन भी नहीं ले रही हूँ। क्या जवाब दूं उन्हें मैं? मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा, पुलिस, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? क्योंकि आपके स्टेक होल्डर्स ने आप पर यह इल्जाम लगाया है कि आपने बिना उनको इन्फॉर्म किए उनके पैसे यूज किए हैं। दिस इज फ्रॉड, सो यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट कर लो इन्हें। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए। आप हमारे बेटे को ऐसे नहीं ले जा सकते। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है इंस्पेक्टर साहब। देखिए आपको जो कुछ भी बोलना हो पुलिस स्टेशन में आके कहिएगा, हम कमिश्नर को फोन करते हैं। कमिश्नर से बात करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ये एंटीसिपेटरी बेल पेपर्स हैं। हथकड़ी खोल दो। अभी तो हम आपको लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन मिस्टर सिद्धार्थ ध्यान रहे, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। क्यारा बेटा, ये सब तुमने कैसे किया बेटा? एक्चुअली अंकल, पापा को पता था कि स्कैम से सेड अरेस्ट हो सकता, इसलिए उन्होंने बेल के पेपर्स रेडी करके मुझे भिजवा दिए थे। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। पहली बार हमें इतना मजबूर फील हो रहा है, जाके भी कुछ नहीं कर पा रहे। जी एक मिनट, क्यारा तुम्हारी कॉफी। ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ लेकिन कियारा ने बोला था ना, उसके ऑफिस जाके देखो, सब ठीक से चेक करो। मासी जी ठीक है। मासी जी प्लीज कुछ खा लीजिए। आशी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, प्लीज इसे ले जाओ। हमें नहीं लगता कि मिस्टर जोशी सही इंसान है। हम अभी भी कह रहे हैं तुमने जो मिस्टर जोशी के पास करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए ना वो गलत है। वो जोशी जेकेएल डेवलपर्स का पार्टनर नहीं है। अब ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। भाई आज बड़े दिनों बाद एकदम भरपेट खाना खाया, मजा आ गया। वैसे आशी आज ना हमारा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, कुछ बढ़िया सा बना दो। चल जा। यार आशी तू है ना, माँ की बात का बुरा मत मानना। तुम्हें पता है ना उनका नेचर कैसा है, उन्हें कभी किसी का दुख नहीं दिखता है। हमें भी कुछ भी नहीं दिख रहे। निधि देखना सब लोग कितने परेशान हैं।
ऐसा क्या करें कि सब पहले जैसा हो जाए? हम सच से बात करते हैं। ला, हम रख देते हैं। आशी, तू माने या ना माने, प्यार तो तुझे अब भी सिंह भाई से ही है। ये लगा लो, खून बह रहा है। सही थी आशी। सेट अप ही सही गलत का टाइम नहीं है। अभी हमें गुनहगार के खिलाफ कुछ न कुछ कदम उठाना होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा? अपना, इन्वेस्टर्स का, कियारा का, मासी का पैसा डुबा के ऐसे ही बैठा हूं क्या? सेट, हमारा वो मतलब नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया मैंने, कमिश्नर अंकल से भी बात कर लिया, उस जोशी को तो मैं ढूंढ के रहूंगा। इन्वेस्टर से भी बात कर रहा हूँ, उनका भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा मैं क्या करूँ आशी? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है ना, तुम्हीं ने कहा था। प्रॉब्लम है तो सलूशन भी है। सिर्फ इस प्रॉब्लम का भी सलूशन होगा, वो क्या है बस हमें वो ढूंढना है। कोई सलूशन नहीं है आशी। सॉरी मां, आपके नाम को बुलंदी होकर नहीं ले जा पाया। जो हुआ वो नहीं होना था। आपका नाम धोखे से जुड़ गया। इन्वेस्टर्स को लगता है कि मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। सारा पैसा दबा दिया मैंने। देखना निधि, घर में सब लोग कितने परेशान हैं। सिद्ध भी कितना टूट गया, क्या करें? सिद्ध भाई टूट गए तो तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तू तो उनसे प्यार भी नहीं करती, फिर तुझे उनकी इतनी फिकर? वैसे भी हमारा गुस्सा सिद्ध से है, उसके परिवार से नहीं। निधि शर्माकर, पापा जी वो हमें कितना प्यार करते हैं, हमें अपनी बेटी मानते हैं। मासी जी कितनी अच्छी है। नहीं, हम उनके परिवार के साथ इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होने दे सकते। उनको ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। कुछ करते हैं ना निधि। हाँ हाँ मिस्टर मेहता, यकीन मानिए जितना जल्दी हो सके मैं हम आपके फंड्स क्लियर कर देंगे। इतनी पुरानी बिजनेस रिलेशनशिप है हमारी, थोड़ा तो यकीन मानिए। नीलिमा जी, विश्वास है तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मेरा लॉयर आपसे बात करता। नीलिमा जी, किचन का काम तो आता होगा ना आपको? क्या, बिजनेस तो ठप हो गया आपका, तो हमने सोचा कम से कम किचन में ही हाथ बता दीजिए। अमृता जी, जी आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। यू नो आई एम अ बिजनेस वुमन, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बिजनेस कैसे करते हैं। मुझे ये भी पता है कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। आ, अप्स एंड डाउन्स नहीं, धोखा हुआ है आपके साथ। वैसे हमें तो लगा था कि आपकी नजर बड़ी बाहर की है, लेकिन आप तो टाइम टाइम की बात है। आज मेरी एक छोटी सी गलती ने मुझ पर ही सवाल उठा दिया। लंदन की फेमस बिजनेस टाइकून मिस कश्यप 3 दिन के लिए लखनऊ आ रही है, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने। लखनऊ के बिजनेसमैन के लिए सुनहरा मौका। जिन्हें भी अपने बिजनेस के लिए फंड चाहिए वो मिस कश्यप से कॉन्टेक्ट कर सकती है।
आप ये मिस कश्यप कौन है? देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आपका बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं लगा, कोई स्पार्क नहीं है। यस हाय, मिस कश्यप से मिलना था एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए। आई एम सॉरी, शी इज बिजी एट द मोमेंट, शी कांट मीट यू। मैं कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं हूँ, बड़े बड़े होटल्स हैं मेरे लखनऊ में। आप एक बार बात कीजिए उनसे, उनसे बोलिए इससे बजा जाएं। यू जस्ट वेट हियर फॉर अ मिनट। या श्योर। मिस कश्यप, मिस्टर बजाज आए हैं आपसे मिलने, कोई बिजनेस डील्स डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत बड़े होटेलियर है। कैन आई सेंड हिम इन? यू कैन कम इन। थैंक यू। मिस कश्यप, मिस्टर बजाज। हेलो मिस कश्यप। मिस कश्यप, मैं आज आपके लिए बहुत माइंड ब्लोइंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेके आया हूँ। मिस्टर बजाज प्लीज। थैंक यू। मिस कश्यप, इट्स एन अमेजिंग बिजनेस आइडिया। लखनऊ में बहुत नाम है मेरा और कई सारे होटल्स भी हैं, बस अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक 5-star होटल हो और उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए, आप चाहें तो देख सकती हैं। आप अपने सारे पेपर्स हमारे पास छोड़ के जाइए, we'll check them and get back to you tomorrow. हम कल फिर मिलते हैं। Sure, that's great. That case, here is my card. Yeah, समझ गया। This is my card. By the way, it was nice meeting you, Miss Kashyap. अभी बस ये पिक्चर जिसके लिए लिखी है ना, उसे लाना बाकी है। मिस्टर जोशी, शाम जी, प्लीज हमारे इस प्लान को सफल बना लो। निधि कुछ करते हैं ना, पर क्या करेगी तू? हमारे पास एक आइडिया है। आइडिया? हमने कुछ सोचा हुआ है, क्यों ना हम लोग रूप बदल ले। रूप बदल ले? मतलब? मतलब धोखे को धोखे से काटेंगे। हम क्या सोच रहे ना कि हम आशी से एक NRI इन्वेस्टर बन जाते हैं, मिस कश्यप नाम से, और फिर हम बिजनेस ग्रुप्स को इनवाइट करेंगे उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। वो समझ गए, ताकि मिस्टर जोशी हमारे सामने आ जाएंगे, और देखना वो पैसों के लालच में जरूर सामने आएगा। निधि, बस हमारी हेल्प करना एक प्लीज। क्या क्या हेल्प? तू इन्वेस्टर की एक्टिंग करेगी प्लीज। आशी, एक्टिंग वैक्टिंग हमारे बस की बात नहीं है, हम तेरी कोई और मदद करते हैं ना प्लीज, पर एक्टिंग मत करवा आशी। अच्छा एक काम करना, अब तेरी एक फ्रेंड है ना रागिनी, हाँ। उसके पापा प्रिंटिंग प्रेस में है ना, उनको बोलना कि हमारे लिए एक एड प्रिंट करवा दे। एड? बात करके देखना प्लीज। ठीक है, हम बात करते हैं। हेलो। हेलो रागिनी, क्या हुआ? कॉन्ग्रेट्स, रागिनी अपने पापा से बात करेगी, और रागिनी ने बोला है वो सिर्फ हमारी एड नहीं प्रिंट कराएंगे, हमारी वेबसाइट भी बनाएंगे। सोच। क्या मतलब? आशी देख, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो हमारे ऊपर कोई शक करे इससे पहले वो बोले कि वेबसाइट भी बना देंगे, तो एड के साथ वेबसाइट भी। चलो बढ़िया है। आशी अब सारी प्लानिंग तो कर ली है, बट बाकी की चीजें कैसे अरेंज करेंगे? आई मीन पैसे वैसे तो हमने सब सोच के रखा हुआ है। पापा जी ने शर्मा अंकल ने हमको वो मुंह दिखाई की रस्म में पैसे दिए हुए थे ना, तो हम सोच रहे हैं कि उन्हीं पैसों से हम रागिनी के पापा का भी पेमेंट कर देंगे, और बाकी का भी जो भी सेटअप होगा सब अरेंज हो जाएगा। और वैसे भी भले ही उनके पैसे हैं, पर हम उन्हीं की हेल्प कर रहे हैं ना। फिर तू अंजाम कैसे देगी इस प्लान को? I mean, शुरुआत कहाँ से करेंगे? देख, किसी भी तरह से ना उस जोशी को बस लालच देना होगा, ताकि वो हमारे जाल में फंस जाए, और एक बार अगर वो जाल में हमारे फंस गया ना,
तो हम मौका देख के उससे सारा सच उगलवा लेंगे, फिर उसको करेंगे हम पुलिस के हवाले। वाह मिसेस कश्यप, तूने तो पूरा प्लान बना लिया है। यस, और हमने ये भी डिसाइड किया है कि हमारी मिस कश्यप की सेक्रेटरी बनेगी तू। सेक्रेटरी? प्लीज लेट्स डू दिस। निधि, सच कहें ना तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है हमें। डर मत, सब ठीक हो जाएगा। बहुत देर हो गया, काकी मां को मां ने तो डरा ही दिया। डर तो अब आशी के दिल से हमारा निकल गया। अब आशी हमसे जरा सी भी नहीं डरती है ना आशी? काकी मां आप ऐसा क्यों बोल रही हो? समय क्या हो रहा है देख रही हो? दोपहर के 2 बज रहे हैं। उस दिन भी तुम्हें वेंडर के काम से जाना था तो नाश्ता हमने बनाया, आज भी सुबह से गायब हो। खाना कौन बनाएगा? हम बनाएंगे काकी मां, आप फिक्र मत कीजिए। हटो, ये बैग हम अपने रूम में नहीं रख सकते। तू जा अपने रूम में रख और इसमें विग वगैरह सब कुछ आराम से जा। सजी अच्छा बैठिए, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा। हम आपके लिए पानी लेके आते। बेटा हमारी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, हमारा दिमाग एकदम ठप हो गया। इतनी बड़ी मुसीबत, उससे हम कैसे बाहर निकले? कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा और हमें सारे दरवाजे बंद दिख रहे हैं। बेटा क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे होगा बेटा ये सब? पापा जी हमारा दिल कहता है सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, आप तो राम जी पे भरोसा रखिए। बेटा जैसा तुम सोच रही हो राम जी करें बिल्कुल वैसा ही हो, खुश रहो। पापा जी आपका मान सम्मान धन आपकी शान सब कुछ वापस लौटाएंगे, वादा है आपसे। गुड आफ्टरनून मैम। मैं सोचती और डिसीजन लेके कल बताती। माय असिस्टेंट विल कॉल यू टुमारो मॉर्निंग। कोई ना बिड्डी, अभी और अपॉइंटमेंट्स है ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्या निधि, आज का भी पूरा दिन चला गया और ये जोशी नहीं आया। बिड्डी तुझे अपने राम जी पे भरोसा है ना, तो वो तुझे रावण से बिल्कुल हारने नहीं देंगे। देखना वो जोशी कल पक्का आएगा, गारंटी है मुझे, क्योंकि हमेशा लालच ही इंसान को बाहर लाता है और वो जोशी तो कितना लालची है तुझे पता है ना। तू तो चल मार, कल का दिन है, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। काश कि ऐसे ही हो। राम जी हमारी मदद कीजिए, इस कर्म युद्ध में हमें सफलता दीजिए। कल का सूरज उगे तो ऐसे उगे कि जिसके लिए हमने ये खेल रचा है ना वो हमारे सामने आ जाए, फिर तू देखना उसका सच हम दुनिया के सामने लेके आएंगे और सिद्ध और पापा जी के सामने लाके खड़ा करेंगे उसको। ऐसे ही होगा। थक गई। सर मिस्टर जोशी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किए हैं, वो जी जान लगा देंगे लेकिन जोशी को ढूंढ के रहेंगे। आई होप ऐसा ही हो। सेठ इन्वेस्टर्स और मीडिया को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है और वो जोशी गायब। यू नो इंडस्ट्री में हमारा नाम बहुत खराब हो रहा है। जी मासी जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि इस वक्त हमारी इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा हमारे कॉम्पिटिटर्स उठा रहे हैं। हमारी इमेज मार्केट में इतनी लो हो गई है, कोई भी बैंक हमें लोन देने को राजी नहीं है। बट कोई तो होगा जो हमें इस टफ टाइम पे फाइनेंस करे। मैं
मैं जानती हूँ किसी को। कौन? मिस कश्यप। लंदन से इंडिया आई है, लखनऊ में कल उनका आखिरी दिन है। वो इंडियन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहती है। आई थिंक तुम्हें एक बार जाके उन्हें मिलना चाहिए। यार पिती, मेरी मासी चाहती है कि मिस कश्यप से मिलेगा। तुम गई, तुम ही मिस कश्यप हो, तो मौत चुप रहे मेरे मन का भी। मासी, एक बार एक अजनबी पे भरोसा करके देख लिया और सिचुएशन आपके सामने, दोबारा किसी अजनबी पे भरोसा करने की मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। आई थिंक इस मैटर में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, बिकॉज देखा जाए तो मिस्टर जोशी के मैटर में मेरा जजमेंट गलत था। बट आई थिंक मैंने मिस कश्यप की वेबसाइट चेक की है, बहुत अच्छी इंसान है वो और काफी लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। आई थिंक सर यू शुड गिव अ ट्राई। सिट बेटा, तुम्हारा डर सही है, लेकिन यहाँ तुम्हें नहीं इन्वेस्ट करना, उन्हें इन्वेस्ट करना है। तुम्हें कुछ नहीं खोना, बस पाना ही पाना है। प्लीज एक बार जाकर मिल लो उनसे। जी मासी, मैं कल ही मिस कश्यप से जाके मिलता हूँ। हेलो मिस कश्यप, मैं सिद्धार्थ शर्मा बात कर रहा हूँ। मेरे लखनऊ में कुछ शोरूम है, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो। हेलो हेलो निधि, हमें बहुत डर लग रहा है, अगर सिद ने फिर से कॉल कर दिया तो। देख मैं तुझे बोल रही हूँ, सिद भाई का नंबर तो तूने ब्लॉक कर दिया है, तो सिद भाई की टेंशन ही मत लेना तू। तो ये सोच कि जोशी को अपने प्लान में कैसे फंसाना है, बस हम देखते हैं। रुक, सिद भाई खुल गई।